बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस 18 का इस टाइम पर सबसे लोकप्रिय कंटेस्टेंट विवियन डिसेना, जिनमें फैंस को दिखती है विनर की झलक। जी दोस्तों, क्या आपको पता है विवियन ने इस्लाम कबूलने के बाद मीडिया को क्यों बताया? तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट विवियन डिसेना की। जी दोस्तों, बता दूं कि विवियन डिसेना टीवी इंडस्ट्री का लोकप्रिय चेहरा है और इनके फैंस का मानना है कि बिग बॉस 18 का विनर तो विवियन डिसेना ही होगा। तो दोस्तों, बिग बॉस 18 के घर में विवियन ने ये बताया कि जब उन्होंने इस्लाम कबूलने का फैसला लिया तो उनके रिश्तेदार पिता को फोन करके भड़काते थे और बताया पिता का क्या रिएक्शन था। जी दोस्तों, बता दूं कि बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट विवियन डिसेना ने अपना धर्म परिवर्तन करा है और इस्लाम कबूल किया है और वो मीडिया को पहले इस बारे में बता चुके हैं और बिग बॉस के घर के अंदर भी वो इस बारे में बात करते दिखे हैं। उन्होंने बताया कि जब उनके रिश्तेदारों को पता चला तो उनके पिता को फोन करके भड़काते थे। उस वक्त उनके पिता ने विवियन का सपोर्ट किया और रिश्तेदारों की बोलती बंद कर दी। जी दोस्तों, बता दूं कि बिग बॉस 18 की वायरल क्लिप में विवियन अर्पिन और शिल्पा शिरोडकर से अपने धर्म परिवर्तन के बारे में बात करते दिख रहे हैं और विवियन कहते हैं कि मैंने सोचा यार एक आर्टिकल दे देता हूं और सबको क्लियर कर देता हूं, सबको समझ में आ जाएगा, वरना ये चीजें होती हैं कि लोग ख्यालों में जीते हैं। और मैंने क्लियर कर दिया, मेरे पापा के किसी भी भाई का फोन आया या कोई कजन बोले आपने सुना, आपने ये कैसे करने दिया। जी दोस्तों, जब विवियन ने धर्म परिवर्तन किया उसके बाद उनके फादर पे फोन गए, उनके रिश्तेदारों के, उनके कजन के, उनके भाई के, और उनसे हजार क्वेश्चन किए गए कि भैया आपने ये ऐसा कैसे करने दिया, आपने सुना कि विवियन ने धर्म चेंज कर दिया। तो इस पर विवियन के पापा कहते हैं कि आपके पास उसका फोन नंबर है, आपने पिछले 18 साल में जब से वो मुंबई में है आपने उसको फोन किया, क्या वो आपको जानता है? तीनों सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो पापा बोले चलो फोन रखो। तो दोस्तों, विवियन का कहना है कि उनके फादर ने उन्हें सपोर्ट किया। जब कजन फैमिली वाले रिश्तेदार सब उनसे क्वेश्चन करने लगे कि विवियन ने क्या किया, आपने रोका नहीं, तो दोस्तों आगे विवियन कहते हैं कि अब सबको दिख रहा है, तब कहां थे जब मैं यमुना नगर में 1 बेडरूम में 5 लोगों के साथ रहता था, तब फोन नहीं किया, बेटा खाने के पैसे हैं, बेटा रहने के पैसे हैं, अब दिख रहा है मेरा कजन, मेरा भाई, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, जब मैंने इस्लाम कबूल लिया। ये बात मेरी मम्मी ने बहुत पहले बता दी थी, बेटा एक बात याद रखना, दुनिया हमेशा उगते सूरज को सलाम करती है। तुमको अचानक याद आता है कि ये सुना, इससे पहले 1480 आर्टिकल आए हैं, तब कुछ कुछ नहीं सुना। जी दोस्तों, बता दूं कि विवियन डिसेना ने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 2019 में मुस्लिम बने थे। उन्होंने कहा था मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, मैं क्रिश्चियन पैदा हुआ था, अब इस्लाम फॉलो करता हूँ। मैंने 2019 में रमजान के महीने में इस्लाम फॉलो करना शुरू कर दिया, मुझे 5 टाइम नमाज पढ़कर सुकून मिलता है। जी दोस्तों, क्रिश्चियन से बने मुस्लिम। तो दोस्तों, ये विवियन डिसेना का कहना है कि जब मैंने धर्म परिवर्तन किया तो मुझ पर बहुत क्वेश्चन उठाए गए, लेकिन मुझे सुकून है। और दोस्तों, बिग बॉस 18 के घर की बात करूं तो इस टाइम पर विवियन डिसेना और उनके बोलने का अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, क्या आप भी हैं विवियन डिसेना के फैन? क्या आपको भी बिग बॉस 18 के विनर की उनमें झलक दिखती है? या आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? अपनी राय कमेंट बताएं। फिल्मी शो में आपका स्वागत है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।